दूसरा तरीका यहाँ पे रोटेशनल का फाइंड करने के लिए हमने ये भी यूज किया, टाउ डी थीटा, रोटेशनल वर्क डन के लिए। तो टाउ के लिए वो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से जो है थीटा फाइंड किया, ये सब कर करा के। तो चाहो तो ये कर सकते हो, बट उतना रिसर्च अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है कि दोनों तरीके से हम फाइंड करें। ट्रांसलेशनल का वर्क डन हम फाइंड करें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, और चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से, वो दोनों सेम आएगा और आना भी चाहिए। रोटेशनल का वर्क डन टाउ डी थीटा से फाइंड करें या चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करें, वो दोनों भी सेम आएगा, आना भी चाहिए। रोटेशनल वर्क डन पॉजिटिव है, ट्रांसलेशनल वर्क डन नेगेटिव है, नेट ऐड करेंगे तो जो नेट वर्क डन होगा वो नेट वर्क डन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। तो एक तो ये जो है हमारा पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, अब दूसरा जो है रोलिंग रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन है। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तो तुम लोग को बहुत सारे याद होंगे, जो कि वो फ्रिक्शन कितना है, ये इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग हो रही है। तो इंक्लाइन प्लेन पे हमको कुछ करना नहीं है, सेपरेट सेपरेट बस अप्लाई कर लेना है, सेपरेट सेपरेट अप्लाई करना है। ट्रांसलेशन का इक्वेशन अलग, रोटेशन का अलग। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ये फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है रोटेशन। तो अगर कोई ऐसा पूछे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ, हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ पे प्योर रोलिंग पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। हमने एक बार कंडीशन दे दी तो फिर ये मूव भी नहीं करेगा, यहाँ से स्लिप करने की टेंडेंसी ही नहीं होगी। जब स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं होगी तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, अब स्मूथ हो रफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे रोलिंग पॉसिबल है, बट क्या स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग पॉसिबल है? नहीं है। अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है जो कि रोलिंग यहाँ करा रहा है। अगर मान लो कोई कहेगा कि सर हम यहाँ पे वी और ओमेगा दे भी देते हैं, तो जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंट पे ही, मतलब टी इज इक्वल टू वन है तो टी इज इक्वल टू 1.00001 सेकेंड, नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग पॉसिबल नहीं है, अपने आप खुद से अपने आप स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पॉसिबल नहीं है, बट स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पॉसिबल है, क्योंकि फ्रिक्शन ही जो है इसको रोलिंग कराता है। तो हम इक्वेशन लिख लेंगे, ट्रांसलेशन इक्वेशन लिखेंगे, रोटेशन इक्वेशन लिखेंगे, रोलिंग कंस्टेंट लिखेंगे, ये सारा सॉल्व करके आ जाएगा एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा आई प्लस एम आर स्क्वायर, जी साइन थीटा ये पुट कर देंगे। उस सब पुट करने के बाद एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। कहा गया ये है इसमें, ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन का एम जी साइन थीटा। तो इसको लिख लेंगे ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, आई बाई एम आर स्क्वायर ये आ जाएगा एक्सलेशन। अब वही रोटेशन नहीं होता था, जब रोटेशन नहीं होता था स्मूथ होता था, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन जी साइन थीटा होता था। इसको हम पुट कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वही फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो फ्रिक्शन का आंसर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई बाई एम आर स्क्वायर बाई आई, ये रिवर्स हो जाएगा ये टर्म एम आर स्क्वायर बाई आई, ये हो जाएगा कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। वहां से फिर मिनिमम फाइंड करते हैं कि भाई मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए प्योर रोलिंग कराने के लिए, इसका भी स्टैंडर्ड याद होगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर बाई आई की म्यू की मिनिमम वैल्यू। ये टेन थीटा बाई सॉलिड स्फीयर डिस्क विस्क सब के लिए म्यू आता है। तो एक्सेलेरेशन में आई बाई एम आर स्क्वायर है, इसमें जो एम आर स्क्वायर बाई आई है वो पुट कर देंगे। ये यही सब है इसमें जो है, टाइम यहां से तुम्हें दिख रहा है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा। अब ये आता है ना कि कौन सा जल्दी आएगा, पहले कौन आ जाएगा, पहले किस
किसमें, जिसमें से अगर हम सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग और डिस्क, ये चारों अगर छोड़ते हैं तो पहले कौन आ जाएगा? पहले सॉलिड सॉलिड स्फीयर, स्फीयर आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, और बाद में सबसे कौन सा आएगा? रिंग आएगा। सॉलिड स्फीयर जल्दी जल्दी आ जाएगा, उसका एक्सेलेशन जो है, यहाँ से देखो जो टाइम डिपेंड कर रहा है वो एक्सेलेशन पर डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंड कर रहा है एक्सेलेशन पे, और एक्सेलेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, 1 + I/mR2। तो आई जिसका कम होगा, तो कम होगा सॉलिड स्फीयर का, उसका एक्सेलेशन ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा। तो आई ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है नहीं डायरेक्टली बट ऐसा बोल सकते हैं, और ये है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा टाइम, लेट आएगा वो। तो ये रिंग सबसे पीछे और सॉलिड स्फीयर जो है आगे, तो ये होगा सॉलिड, सॉलिड के बाद सॉलिड और हॉलो के बीच में आ जाएगा डिस्क, सॉलिड ऑब्जेक्ट, मटेरियल फील्ड है जिसमें। तो यही सब है, ये सब टाइम है, ये तो टिपिकल क्वेश्चन है। वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका एक्सलेशन ज्यादा होगा, एक्सलेशन ज्यादा हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ से ये चीज समझना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो सेम ही हाइट से अगर रिलीज करेंगे इनको, यहां से यहां अगर आ रहा है, यहां से यहां ये आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि आइडियली हम क्या लेंगे इसमें, फिर से देख लेते हैं, ये है इंक्लाइन प्लेन, यहां से यहां। तो अगर जो मैं डायमेंशंस गिवन होंगे, देखो इसमें गलती क्या करोगे, हमें क्या देखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करना चाहते हैं कि हमें नीचे चाहिए, यहाँ से रिलीज किया गया तो हमें चाहिए यहाँ से वेलोसिटी चाहिए, यहाँ से ओमेगा चाहिए, ये सब चाहिए। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस है? नॉर्मल है, एमजी है, और ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का पॉजिटिव वर्क डन है कहीं? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोटेशनल वर्क डन पॉजिटिव है, ट्रांसलेशनल वर्क डन वो नेगेटिव है। तो अगर स्टैटिक होता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐड होके जीरो हो जाता है। तो फ्रिक्शन का नेट वर्क डन, स्टैटिक का नेट वर्क डन जीरो है, नॉर्मल का नेट वर्क डन जीरो है, जो जो भी है ग्रेविटी का वर्क डन आएगा, ग्रेविटी के वर्क डन के लिए सेंटर ऑफ मास की हाइट में चेंज देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में जनरली ये स्फीयर अगर स्मॉल है तो ये रेडियस इग्नोर कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ये हाइट ले सकते हैं। बट आइडियली देख रहे हो क्या चाहिए? आइडियली चाहिए हमें सेंटर ऑफ मास की हाइट में चेंज। तो अगर तुम्हें बड़ा बड़ा ऐसा बनाया हुआ है, ये हाइट मान लो ऐसे तुम्हें दिया हुआ है, ये 5R है, ये है, इस बार ही जैसे KBPI में क्वेश्चन आया था, ये R है, तो ऐसे में इसको थोड़ी इग्नोर कर देंगे हम। आइडियली क्या लेते हैं? सेंटर ऑफ मास की हाइट में चेंज। तो ज्योमेट्री ओमेट्री यूज करके ये हाइट चाहिए। अब ये स्मॉल स्फीयर लिखा हुआ है, स्मॉल स्फीयर, तो स्मॉल स्फीयर में फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और डायरेक्ट ये इंक्लाइन प्लेन की हाइट ले सकते हैं। तो हम स्मॉल स्फीयर के लिए लिखेंगे, स्मॉल स्फीयर के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी MgH इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो यहाँ पे हो जाएगा ½ mv² प्लस ½ I ω² ओमेगा भी, ये कौन सा? IC। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल KTR, और ये हो जाएगा K रोटेशनल। मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। MgH उसके पास एनर्जी है 100 जूल है। अब 100 जूल में कुछ पोर्शन जो है ट्रांसलेशन में जाएगा, कुछ रोटेशन में जाएगा, ठीक है, कुछ ट्रांसलेशन में जाएगा, कुछ रोटेशन में जाएगा। मास अगर सबके सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मास अगर सबके सेम है तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जिसका एक्सलेशन ज्यादा है, ज्यादा एक्सलेशन से आ रहा है, ज्यादा एक्सलेशन किसका है? जिसका कम है। तो सॉलिड स्फीयर का जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, रोटेशनल ट्रांसलेशनल ज्यादा होगी और रोटेशनल कम होगा। रिंग का रोटेशनल ज्यादा होगा, ट्रांसलेशनल कम होगा। तो टोटल एनर्जी है जो कि रिंग और उसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो एक तो ये टाइम वाइम वाला कैलकुलेशन है,
इंक्लाइन प्लेन पे, पॉसिबल है स्मूथ स्मूथ पे, नहीं पॉसिबल है, वो सारा हो गया। फ्रिक्शन विक्शन का वर्क डन, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व करने के लिए जो बेसिक अप्रोच है, उसके अलावा अगर तुम्हें एक दो असाइनमेंट में क्वेश्चंस था कि कुछ अलग दे दिया कि वेलोसिटी इधर है, ऐसे ऊपर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे एक दो टेस्ट में ही शायद डिस्कस किया था ऐसा कि हम जो है ऐसे रोटेट करके इसको रख देते हैं, तो फाइंड द टाइम वेयर वेलोसिटी बिकम जीरो। तो तुमको क्या करना है, यह रोटेशन है, ये पॉइंट किधर वेलोसिटी है, पॉइंट इधर वेलोसिटी है, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड। फ्रिक्शन ऐड करेगा अपवर्ड, यहाँ से ऐड कर रहा होगा mg sin थीटा। अब यहाँ से आते आते क्या होगा, जहाँ पे भी ये रुकेगी वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये क्या अप्लाई कर देंगे, f माइनस mg sin थीटा, जो भी है एक्सेलेशन इसका अगर डाउन द प्लेन लेंगे तो ये हो जाएगा f f माइनस mg sin थीटा। अप द प्लेन ले लेते हैं इसका एक्सेलेशन a इज इक्वल टू m इनटू a, और अल्फा, अल्फा किसका होगा, फ्रिक्शन का, तो अल्फा जो ओमेगा कम करेगा, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा टाउ क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इनटू रेडियस इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा फाइंड करेंगे, फाइनल ओमेगा जीरो होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, इनिशियल ओमेगा पता है, यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो सेपरेट इक्वेशन तुमको रोटेशन और ट्रांसलेशन में अलग अलग अप्लाई करो, टेंशन मत लो, एक साथ कंबाइंड मोशन क्वेश्चन में है तो तुमको भी कंबाइंड मोशन नहीं होना है, अलग अलग लिखो, कंडीशन लिख दो, ट्रांसलेशन अलग लिखो, रोटेशन अलग लिखो, रोलिंग है तो दोनों को रिलेट कर दो, नहीं है तो दोनों सेपरेट है। तो दूसरा जनरल ये इंक्लाइन प्लेन का है। अब इसके बाद हमारा इसमें कंबाइंड में आ जाता है वही जो था कोलिजन का, ये सब अलग अलग के लिए टाइम है, प्रैक्टिस के लिए और कुछ है नहीं। एक ऐसा आ सकता है जैसे कि हमने पुली ब्लॉक वाला सिस्टम देखा था, पुली ब्लॉक वाला सिस्टम देखा था कि अगर कोई पुली ब्लॉक सिस्टम है तो जैसे कोलिजन वाला था। अब दो वैरायटी हमारे इसमें, एक कोलिजन वाला देखेंगे और एक जनरल देखेंगे। ऐसा सॉलिड सिलेंडर, प्लैंक, स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली ब्लॉक, ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम, ये है 2m और ये ले लेते हैं 4m। तो ये 2m है और ये 4m, 4m है रेडियस है r। अब मान लो यहाँ पे पूछा है यहाँ फ्रिक्शन कितना है, यहाँ फ्रिक्शन कितना है, इसका एक्सलेशन कितना है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच यूज करना है कि यहाँ पे एक्सलेशन इसका ये मान लेते हैं, ये प्लैंक का भी एक्सलेशन ये मान लेते हैं, ये जो सिलेंडर है ये रोल कर रहा होगा, ये रोल कर रहा होगा तो इसका कुछ सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन ए वन हो जाएगा, और इसका जो है ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से एक रोलिंग कंस्टेंट, यहाँ पे एक नो स्लिपिंग की कंडीशन, तो एक तो हमारा आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू अल्फा, एक कंडीशन ये लिख लेंगे। यहाँ से जो टेंशन देखो, अब अगर ये पुली स्मूथ नहीं है तो फिर से टेंशन भी डिफरेंट हो जाएगी। अब मानते हैं कि ये स्मूथ है, मान लेते हैं कि टेंशन कम कर लें थोड़ा सा, वैसे बहुत टेंशन है, तो ये हो जाएगा टेंशन, तो ये टेंशन टी, ये एक्सलेशन ए वन, ए वन इज इक्वल टू अल्फा, ये टेंशन टी। फ्रिक्शनल फोर्स मान लो ये भी रफ है, फ्री बॉडी डायग्राम, सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है एफ वन, स्टैटिक है कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, एफ टू, इसका एक्सलेशन है ए वन, यहाँ से इसका है अल्फा, अल्फा। प्लैंक, प्लैंक के ऊपर देखेंगे, प्लैंक के ऊपर ये टेंशन टी, यहाँ से इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इधर एफ वन। देखो एज डायरेक्शन कुछ भी, अब यहाँ पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि मान लो ये सरफेस स्मूथ होता तो ये प्लैंक इधर स्लिप करता, स्लिप करता तो प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड लगता, बट हम मान लेते हैं फॉरवर्ड है।
सॉल्व करने के बाद ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। तो यहाँ पे F1 दिखा दिया, तो यहाँ से ये टेंशन हो गया, यहाँ से ये हो गया, अब यहाँ से ज्यादा दिखाओगे तो ये नॉर्मल नॉर्मल MG होगा जिसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से भी जो है नॉर्मल नॉर्मल ऐसे डायरेक्शन में होगा, यहाँ से भी नॉर्मल होगा, यहाँ से भी MG होगा, ये सारा हो गया। अब इसका एक्सलेशन है ये, तो हमारे अननोन तो बहुत सारे हैं, अननोन यहाँ पे देखेंगे तो इसका A1 है, ये है F1 है, F2 है, लिख लेते हैं एक बार, A1 है, ए है, अल्फा है, और फ्रिक्शन है F1, फ्रिक्शन है F2, टेंशन है T, ठीक है, टोटल 6 अननोन है, जितने अननोन उतने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन तो यहीं से है, कौन सा रोलिंग कंस्टेंट, और 4 इक्वेशन चाहिए, और 4 इक्वेशन कहाँ से आएगा, इसके ट्रांसलेशन से, इसके ट्रांसलेशन से, और इसके ट्रांसलेशन और रोटेशन से हो गए 4। तो इसके ट्रांसलेशन से इक्वेशन लिखेंगे तो टी प्लस मान लो प्लैंक ब्लॉक वाला लिखते हैं, ब्लॉक वाला हो जाएगा MG माइनस टी इज इक्वल टू MA, फिर प्लैंक के लिए टी प्लस F1 इज इक्वल टू 2M इंटू A, फिर इस सिलेंडर के लिए नेट फोर्स हो जाएगा कितना, F2 माइनस F1 4M इंटू A1, और टॉर्क, नेट टॉर्क, अब देखो टॉर्क में ये अल्फा जो है ना, अल्फा हमने ऐसे अपोजिट ले लिया, ऐसे ले लिया है, तो मतलब इसी सेंस में नेट टॉर्क होना चाहिए, बट ये देखोगे जो डायरेक्शन हमने लिया F2 इसके अपोजिट है, F1 भी अपोजिट है, तो क्या लिख लेंगे इसको, माइनस F1R माइनस F2R, माइनस क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट सेंस में है, तो दिस माइनस इज इक्वल टू I अल्फा, ये 4 इक्वेशन ये हो गए, एक कंस्टेंट इक्वेशन यहाँ पे हो गया A1 इज इक्वल टू अल्फा आर, यहाँ का कंस्टेंट क्या हो जाएगा A1 प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू A, तो ये हमारे 6 अननोन और 6 इक्वेशन, तो इस स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर में इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन तुमको मिलेगा, और दूसरा जो वेरिएशन है वो है हमारे कोलिजन वाला, कोलिजन पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, तो कोलिजन में इक्वेशन कौन से, वही सारे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, ये सारा, तो जो अप्रोच वहां पे यूज किया है वही अप्रोच हमको यहाँ पे भी यूज करना है, जो यहाँ वहां यूज किया था वही यहाँ पे भी यूज करना है, बस यहाँ चेंज क्या हो जाएगा कि क्या हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं और इक्वेशन लिख लेते हैं उसके लिए, इक्वेशन जो है सॉल्व कर लोगे, कि बिफोर एंड आफ्टर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जनरल ले लेते हैं, कि ये आ रहा है और ये स्मूथ सरफेस पे ये रॉड प्लेस्ड है, और यहाँ से कोई पार्टिकल आया, यहाँ से कोलाइड किया, ये M है, ये V0 है, और ये है M, लेंथ है L, जस्ट आफ्टर कोलिजन हमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड ये सारा कुछ फाइंड करना है, तो अब ये फ्री है तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा, जनरल मोशन, जनरल मोशन किसी भी सिस्टम का हम लिख सकते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास V1 एंड रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा, और ये पार्टिकल कोलाइड करने के बाद मूव कर रहा है V2 से, ठीक है, कोलिजन इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक टाइप का है, तो E की कुछ वैल्यू मान लेते हैं 1/2 है, जनरल E के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ये सारा सेटअप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये तो ऑब्वियसली किसके लिए, सिर्फ इलास्टिक के लिए ये नहीं वैलिड है इस केस में, एंगुलर लीनियर मोमेंटम सिस्टम लेंगे कौन सा, रॉड प्लस पार्टिकल, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वैलिड है, लीनियर मोमेंटम वैलिड है क्योंकि कोई भी एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो एक तो ये चीज वैलिड है यहाँ पे, कंबाइंड का कोई भी कोलिजन होगा तो लीनियर मोमेंटम एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएगा हमें जो पहले नहीं मिल रहा था, एंगुलर में जब फोर्स ही नहीं है सिस्टम के ऊपर तो टॉर्क भी नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी वैलिड होगा, एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस, किसी भी पॉइंट के अबाउट वैलिड है, हम किसके अबाउट करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ऐसा क्यों, क्योंकि याद करो वो वाला टर्म जो था, जो R क्रॉस M इंटू VC था, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, तो एक
एक टर्म जीरो कर लेंगे इसलिए। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, ये यहां से हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है, E इज इक्वल टू सेपरेशन बाय अप्रोच। तीन इक्वेशन है, तीन अनोन है, देखो V1 ओमेगा एंड V2, तीनों सॉल्व कर लेंगे। लीनियर वाला लिख लो यार, लीनियर क्या हो जाएगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा MV0, रॉड का लीनियर मोमेंटम जीरो, फिर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम MV2, रॉड का लीनियर मोमेंटम के लिए हमें कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, सेंटर ऑफ मास की। एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, क्यों, क्योंकि वो एक टर्म का टेंशन ना लेना पड़े। तो वहां से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ से देखो क्या ये समझ में आ रहा है, पार्टिकल का MV0 L/2 और प्लस के, रॉड का जीरो, बाद में पार्टिकल का MV2 इंटू L/2 और रॉड का सेम आई ओमेगा उसी डायरेक्शन में आ रहा है। देखो पार्टिकल का लिख लिया, रॉड का आई ओमेगा और प्लस दूसरा वाला टर्म होगा, तो ये हो जाएगा ML² / 12 ओमेगा और प्लस वो आर इंटू MC जो है VCM, वो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम से इक्वेशन, ये हुआ एंगुलर मोमेंटम से इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन, सेपरेशन, सेपरेशन के लिए कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू L/2, ये हो जाएगा ओमेगा L/2 माइनस V2 बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V0, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन और ये तीनों हम सॉल्व कर लेंगे बस। तो यही कोलिजन प्योर रोटेशन में होगा, यही कोलिजन कंबाइंड में होगा, तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लीनियर मोमेंटम का बढ़ जाएगा और बस इतने वैरायटी के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बाकी सारा तुम्हारा सफाई से जो है एप्लीकेशन है। ये टॉपलिंग है, तो टॉपलिंग क्या होती है, टॉपलिंग बेसिकली जैसे टॉपलिंग मतलब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है, कि अगर किसी रिजिड बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, वो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा। तो क्वेश्चन ऐसे, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, एच हाइट पे हमें फाइंड करना है कि फाइंड द एफ force required so that this block topples before slipping, topples before slipping, topple कर जाए but slip ना करे, दो केस हो सकता है, यहां से हम force apply कर रहे हैं और ये धीरे धीरे खिसकने लगे but topple ना हो, मतलब इसके about जो है rotate ना हो। दूसरा हो सकता है कि हम force apply कर रहे हैं और ये rotate हो जाए but slip ना करे, ये मान लिया H है। तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे फोर्सेस, मान लो हमने धीरे धीरे फोर्स को हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो पहला mg तो हमेशा एक्ट करेगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे, फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के पैरेलल, तो यहां से एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स अगर रफ है तो। अब अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे, ये स्लिप नहीं कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, किसी पॉइंट के अबाउट कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क इससे जीरो हो जा रहा है, टॉर्क तो सेम ही आना है क्योंकि फोर्स जीरो है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट हम देखेंगे तो mg का टॉर्क भी क्लॉकवाइज में और इस f का टॉर्क भी क्लॉकवाइज में है, तो अगर इस रिजिड बॉडी पे क्लॉकवाइज में टॉर्क एक्ट करा तो इसको तुरंत रोटेट कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होके एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क जनरेट कर रहा है। अब इस फोर्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्लॉकवाइज वाला टॉर्क बढ़ता जाएगा, तो उसके लिए नॉर्मल क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो जब शिफ्ट होता जाएगा तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, जस्ट बिफोर टॉपलिंग, ये नॉर्मल रिएक्शन इस एज पे होगा और इस नॉर्मल रिएक्शन को फोर्स बैलेंस से देखेंगे तो हो जाएगा mg। तो जस्ट टॉपलिंग वाली सिचुएशन में डायग्राम कैसा हो जाएगा, तो कभी भी अगर टॉपलिंग का कोई क्वेश्चन है तो नॉर्मल को सीधे शिफ्ट करके बना दो, किधर, नॉर्मल को यहाँ पे और यहाँ पे फ्रिक्शन,
इस पॉइंट के अबाउट ये नॉर्मल ऐसे शिफ्ट हो रहा है, तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। मान लिया कि ये एच पे है और ये क्यूब है, क्यूब का डायमेंशन है ए, तो जस्ट टॉपलिंग के लिए क्या करना चाहिए, किस सेंस में, फोर्स के सेंस में, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एफ इंटू एच माइनस इसका टॉर्क किस सेंस में, क्लॉकवाइज में, इसका टॉर्क किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये माइनस एम जी इंटू ए बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से हो जाएगा कि जो फोर्स है, फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी ए बाई टू एच। और फ्रिक्शन ये स्लिप भी ना करे, ये स्लिप भी ना करे, तो यहां से जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, एफ के बराबर है। तो यहां से जो एफ है, दिस एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग म्यू एम जी। तो जो मिनिमम वैल्यू फोर्स की होनी चाहिए वो कितनी हो, एम जी ए बाई टू एच। तो यहाँ पे पुट कर दिया एम जी ए बाई टू एच लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, ये एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो, ए बाई टू एच से ज्यादा हो तो स्लिप नहीं करेगा। म्यू की वैल्यू ए बाई टू एच से ज्यादा हो तो ये स्लिप नहीं करेगा। तो ये दो आता है कि कितना फोर्स चाहिए और कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। तो फ्रिक्शन को फाइंड करके उसको लिमिटिंग से कम कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये टोटल था यार, क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस करने के ऊपर है, कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही है और सारे तुम्हारे पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और बहुत सिस्टमैटिक है ये रोटेशनल। अगर स्टेप बाय स्टेप जाते हो हर एक स्टेप पे, जो भी स्टेप अप्लाई करना है उससे पहले कंडीशन क्या है, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंबाइंड मोमेंट, सब कुछ ठीक है। तो लग रहा है सो गए अभिषेक? नहीं सर। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो कब है टेस्ट इसका? 24 है ना, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ डाउट होगा तो पूछना ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके सर। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अभी से अब क्या, आप दोबारा थोड़ी होंगे। चलो।